हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 4 हम देखेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होगा इसमें, ठीक है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर करेंट इवेंट्स हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं, किसी भी पार्ट में पूरे साल में मई 2020 से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनको शामिल किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 4th पार्ट इसमें, पहला हम जो इवेंट देखने वाले हैं वो है क्वांटम ग्रेविटी से रिलेटेड। ये मेनली कॉम्बिनेशन है किस चीज का, आइंस्टाइन का क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी, इन दोनों थ्योरी का ये एक कॉम्बिनेशन है। ये इसलिए क्वांटम ग्रेविटी को लाया गया टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी वर्क्स ऑन द यूनिवर्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल है उस पर किस तरीके से ये ग्रेविटी काम करता है, तो इसको जानने के लिए आइंस्टाइन के क्वांटम फिजिक्स और उनके जनरल रिलेटिविटी को मिक्स करके क्वांटम ग्रेविटी एक कंसेप्ट बनाया गया है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? इट इज जनरली द एप्लीकेशन ऑफ एटम्स एंड एनर्जी, ठीक है, कि यूनिवर्स में किस तरीके से एटम्स और एनर्जी बिहेव करते हैं, यूनिवर्स का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, ये सारा डिस्क्राइब करने का काम क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी करते हैं, ठीक है। फिर इसमें बात आती है डार्क मैटर पार्टिकल की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स कि ये जो डार्क मैटर्स होते हैं पार्टिकल्स, ये ना बहुत लाइट होते हैं और ना बहुत ही हैवी होते हैं, ठीक है। ये बीच में होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट भी नहीं होते या हैवीएस्ट भी नहीं होते, ठीक है। तो बीच का होता है जब तक कि इन पर कोई फोर्स एक्टिंग ना किया जाए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई ना हो तब तक ये क्या होंगे, बीच के स्टेटस में बिलोंग करते हैं। 95% ऑफ यूनिवर्स जो में जो मैटर है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बिलोंग करता है। इसको डार्क मैटर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में भी इनविजिबल होता है, इसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, इस वजह से इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास करंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो मेनली आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल पल्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, उनके बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स, अब यहाँ पर देखिए हैबिटेबल प्लैनेट है यानी कि जहाँ पर हैबिटेट हो सके, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, तो इस तरीके के कम से कम 24 हैबिटेबल प्लैनेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर लाइफ इवन अर्थ से भी बेहतर पाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं ये अर्थ से बहुत दूर है, इवन हमारे सोलर सिस्टम से ये बाहर पाए जाते हैं, तो करीब 100 लाइट ईयर्स अवे या उससे भी ज़्यादा ये डिस्टेंस पर है। तो इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को जिन टेलीस्कोप का यूज करके डिस्कवर किया गया है उनका नाम आपको जानना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेयर जिसको हम लिवर के नाम से भी जानते हैं, एंड प्लैनेटरी ट्रांजिट एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स, यानी कि इसको प्लेटो के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 टेलीस्कोप आपको जानने को मिला, तो नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूसा डिकम्पोजर, ये मेनली जो पराली होती है यानी कि स्टबल बर्निंग वाली जो सिचुएशन होती है विंटर के सीजन में दिल्ली और एनसीआर में, उसको दूर करने के लिए पूसा डिकम्पोजर लाया गया। पूसा एक जगह का नाम है जहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम भी पूसा डिकम्पोजर रख दिया गया। ये एक बायो डिकम्पोजर है कन्वर्टिंग स्टबल इंटू मैन्योर, ठीक है। तो इसमें 7 फंगी का यूज किया जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये जो स्टबल है इनको कन्वर्ट किया जा सके डिफरेंट डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में या फिर मैन्यूर में, ठीक है। तो पूसा डिकम्पोजर आपको याद रखना है किस लिए, जो पराली होती है यानी कि स्टबल्स होती हैं उनको मैन्यूर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ये बायो डिकम्पोजर है, तो बायो का मतलब ही क्या हुआ इसमें कि कुछ लिविंग बींग्स का इसमें यूज होता है, तो फंगी का इसमें यूज किया जाता है। परम सिद्धि ये जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो कि वर्ल्ड के टॉप 500 में से 63rd पर इसका नंबर आता है, और ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का कंप्यूटर सिस्टम है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का मतलब ये हुआ कि या इसके जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि एक फंक्शन को हमें करने के लिए उस फंक्शन को हमें डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इस तरीके का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ये एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम ही, यानी कि सारा सारा काम यहाँ पर एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम ही किया जाएगा, ठीक है। तो AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और ये इसको बनाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में। तो अब देखिए जितने सुपर कंप्यूटर होते हैं जनरली AI बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिंग में होता है। तो ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा।
किस मिशन के तहत बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया। कहां पर इसको रखा गया है, इसको रखा गया सिटैक का यूनिट है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, वहां पर इसको रखा गया है। कौन कौन यूज कर सकते हैं, एकेडमिया यानी एकेडमिक्स रिलेटेड रिसर्चर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स जो है वो इनका यूज कर सकते हैं। कहां कहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन, फ्लड प्रोडिक्शन या फिर ड्रग डिस्कवरी, ऑल्सो जीनोमिक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि मेडिकल एरिया में भी इसका यूज हो सकता है। अरेकिबो टेलीस्कोप, ये फिलहाल कोलैप्स हो गया है, ये पाया जाता है प्यूर्टो रिको में, 1963 में इसको बनाया गया था। एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप ओन्ड बाई US नेशनल साइंस फाउंडेशन। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। पहले हमें जानकारी ये थी कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को रोटेशन में 88 डेज लगते हैं, लेकिन इस टेलीस्कोप ने ये खोज निकाला कि मर्करी को 88 डेज नहीं लगते, कितने डेज लगते हैं, 59 डेज लगते हैं। अदरवाइज इससे पहले हमें 88 डेज के बारे में इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो किस चीज के बारे में है ये, कि रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन का मतलब होता है जब कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पर घूमता है तब हम उसको रोटेशन कहते हैं। साथ ही साथ 1993 में भी इसको और भी एक काम दिया गया, व्हाट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को प्रूफ करने का काम, एविडेंस उसके लिए इकट्ठा करने का काम, और साथ ही साथ जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको भी डिस्कवर करने का काम इस टेलीस्कोप को दिया गया। तो फिलहाल ये कोलैप्स हो चुका है, यानी कि बंद हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी अभी हुआ है रिसेंटली 2020 में की ये न्यूज़ है, 2020 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरेकिबो टेलीस्कोप क्या है। स्पिनट्रॉनिक्स यानी कि स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है। एक्चुअली ये एक स्टडी करने का तरीका है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, और मूव होने की वजह से किस तरीके से उनके अंदर में मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए एक नया कंसेप्ट बनाया जिसको हम स्पिनट्रॉनिक्स यानी कि स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट और उससे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट को स्टडी करने के लिए ये बनाया गया। जेंट मीटर वेयर, मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये क्या होता है कि जो गैलेक्सीज होती हैं उन गैलेक्सीज में जो हाइड्रोजन होता है उसके कंटेंट को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब इससे हमें जानकारी क्या मिल सकती है, जब यूनिवर्स यंग रहा होगा, जब यूनिवर्स का एवोल्यूशन हो रहा होगा अपनी यंग स्टेज में, तो उस समय ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज होती हैं इन गैलेक्सीज के पास कितना हाइड्रोजन कंटेंट था, इससे हमें इसको जानकारी मिल जाती है। यानी किससे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे हमारे मिल्की वे की भी बात करें तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिफरेंट स्टार एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये सारी इसकी जो मिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें सहायता मिल सकती है, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का, ठीक है। अब इसमें कुछ और फैक्ट है, जैसे कि वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर तक का ये यूज करता है, वेरिंग वेवलेंथ का भी इसमें यूज किया जाता है। इसमें जो डायमीटर का यूज होता है 45 मीटर डायमीटर का यूज होता है, दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट इज कि ये इसका यूज क्या है वो आपको जानना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इज ये एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, यानी कि हमने अपने डोमेस्टिक में ही इसे बनाया हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटेड बाई नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये एक उस तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्टारलिंक, स्टारलिंक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो स्टारलिंक ये एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है कि स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट कंपनी है इलोन मस्क की, तो ये भी इंटरेस्ट रखते हैं सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने में। तो स्टारलिंक जो है ये मेनली इसका काम है ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करना, और बहुत ही अच्छी स्पीड का, चाहे जहाँ पर अनरिलायबल स्पीड हो या फिर मतलब कनेक्शन भी ना हो, एक्सपेंसिव हो या फिर कम्प्लीटली वहाँ पर हो ही ना कनेक्शन, तो वैसे एरियाज में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए स्टारलिंक सेटेलाइट्स, नेटवर्क ऑफ सेटेलाइट्स, यानी कि कई सारी सेटेलाइट्स यहाँ पर भेजी जाएंगी इस स्टारलिंक के तहत में, तो इसका यूज होगा। और इसको लो अर्थ ऑर्बिट में 550 किलोमीटर के हाइट पर लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वेंशनल इंटरनेट सेटेलाइट्स होती हैं उनको 35,000 किलोमीटर के हाइट पर लगाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उनमें लिमिटेशंस आ जाती हैं कि वो बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाती, तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा कि बहुत ही कम डिस्टेंस पर ही लगाया जाएगा, मात्र 550 किलोमीटर पर ही, ताकि ब्रॉड एरिया को भी ये कवर कर पाए। वन वेव सैटेलाइट, इसको भारतीय ग्लोबल एंड यूके गवर्नमेंट लेड वन वेव इसको लॉन्च करेंगे।
इसमें क्या होगा कि 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जिसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये किस तरीके के सैटेलाइट होंगे? ये एक कम्युनिकेशन टाइप के सैटेलाइट होगी, यानी कि कम्युनिकेशन सर्विस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनसे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो कम्युनिटीज, टाउन्स या रीजन जो कि लेफ्ट हो गए हैं, जो बच गए जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है, तो वहाँ पर भी इसको यूज किया जाएगा। तो टारगेट रखा गया है कि मिड 2022 तक इन सैटेलाइट को क्या होगा कि लॉन्च किया जाए और ये अपना सर्विस जो है वो शुरू कर पाए। नैनो बॉडीज क्या है? एक तरीके के ये एंटीबॉडीज हैं, तो मेनली कोविड के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि वो किसी भी बीमारी से हमारी बॉडी को सही रख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो एंटीबॉडीज हैं जिनको नैनो बॉडीज का नाम दिया गया है, जो कि बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से इनका प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है। तो इनको आर्टिफिशियली बॉडी में क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा बाय सिरिंज वगैरह इनसे, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, ये एक मेथड है टू ऑफ सिक्योरली एक्सचेंज क्रिप्टोग्राफिक की। अब ये न्यूज में रहा था सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर केस है, सुसाइड के जो भी था, उस समय ये न्यूज में रहा, क्योंकि आपको आपने देखा कि बहुत सारे जो व्हाट्सएप चैट्स थे वो बाहर आ रहे थे। तो लोगों को कैसे पता चलता है, अगर पुलिस को पता कैसे चलता है कि ये चैटिंग हुई है, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा व्हाट्सएप में अपने चैट में भी कि वो जो आपका चैट होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। तो वो जो इनक्रिप्शन की होता है, पुलिस के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो इनक्रिप्शन की को एक्सेस कर पाते हैं और उस इनक्रिप्शन की से वो आपके डिलीटेड मैसेज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तकनीक को कहा जाता है डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज, यानी कि ये जो क्रिप्टोग्राफी यानी कि जो इनक्रिप्टेड कीज होती हैं उनका एक्सचेंज किया जाता है ताकि आपके मैसेज को पढ़ा जा सके, ठीक है। तो इस तरीके इसको हम डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट रेडियो बर्स्ट, अपने क्लाउड बर्स्ट का नाम सुना होगा। तो क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है, रेनफॉल कम समय में बहुत तेज होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फास्ट रेडियो बर्स्ट है, यानी कि कम समय में बहुत तेज क्वांटिटी में यहाँ पर रेडियो वेव्स इमिट होती है किसी सेलेस्टियल बॉडी से, ठीक है। तो ट्रांजिट रेडियो पल्सेस ऑफ लेंथ रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शनल ऑफ मिलीसेकंड्स एंड टू फ्यू मिलीसेकंड्स। अब ये जो होती है रेडियो वेव्स, ये किसी हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस से निकलती है। अब वो एग्जैक्टली प्रोसेस है क्या, ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। देखिए यूनिवर्स में क्या है ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मिस्ट्री ही है। हम जितना भी जानते हैं यूनिवर्स के बारे में वो कुछ भी नहीं है, वो इतना छोटा हिस्सा है कि इतने बड़े यूनिवर्स में उसका कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। अभी भी बहुत बड़ा पार्ट यूनिवर्स का हमारे लिए मिस्ट्री ही बना हुआ है। तो ये भी एक मिस्ट्री है कि पता नहीं कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से बहुत ही कम समय के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये रेडियो वेव्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसको फास्ट रेडियो बर्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी गैलेक्सी से भी आती थी, हमारी गैलेक्सी से भी ये अब क्रिएट होने लगी हैं, यानी कि मिल्की वे से भी आने लगी हैं, तो लेकिन हमें उस प्रोसेस का पता नहीं है। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो रेडियो बर्स्ट होता है ये मेनली न्यूट्रॉन जो स्टार्स होते हैं ये वहाँ से होता है। अब न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं ये एक तरीके से डेड स्टार्स होते हैं। डेड स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि स्टार खत्म हो गया, इन द सेंस स्टार भी क्या एक्सोलेस्टियल बॉडीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया। डेड का मतलब ये हो गया कि आपको पता है कि स्टार के पास अपनी एनर्जी होती है, तो अपनी एनर्जी से वो चमकते हैं, ब्राइट करते हैं, ठीक। तो जब इसी स्टार की एनर्जी खत्म हो जाए तब ये कोई लाइट इमिट नहीं कर पाएंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये कूल डाउन होने लगते हैं, इनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये कोल्ड बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये कोल्ड हो जाते हैं तब हम इनको डेड स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एक विशेष प्रकार का रेयर टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है जिसको मैग्नेटार के नाम से जाना जाएगा। अभी मैग्नेटार क्या है, मैग्नेटार एक विशेष प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कितनी ज़्यादा हाई, अर्थ की जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उससे कहीं 5,000 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा ही, मीन्स यू कैनॉट इमेजिन ये कितना ज़्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस न्यूट्रॉन को जिसकी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटार कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि शायद इस तरीके के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं मैग्नेटार वाले, वहाँ से इस तरीके की रेडियो पल्स जो होती है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट NGC 2808।
अब देखिए एनजीसी 2808 है क्या, ये एक्चुअली मैसिव ग्लोबल क्लस्टर है। अब ये ग्लोबल क्लस्टर होता क्या है, ये एक्चुअली में एक स्फेरिकल शेप में कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। मान लीजिए कि ये स्टार्स है जिन्होंने एक साथ मिलके ये ग्रुप बना दिया। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो क्या है, एक स्फेरिकल शेप में है, तो हम इसको कहते हैं ग्लोबुलर क्लस्टर। ठीक है, तो ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं जिनमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, यहाँ से हॉट यूवी ब्राइट स्टार्स जो होते हैं वो कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे स्टार्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वो ग्लोबुलर क्लस्टर में पाए जाते हैं, जिनका नाम है एनजीसी 2808, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है, इस तरीके का ग्लोबुलर क्लस्टर। ठीक है, तो इसको खोजने का काम, डिस्कवर करने का काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्री में काम करता है। पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो एनजीसी 2808 ग्लोबुलर क्लस्टर है, इसमें 5 generations के स्टार्स पाए जाते हैं। ठीक है, 5 generation के स्टार्स का मतलब, यानी कि स्टार्स के जन्म लेने से उनके मरने तक, यानी कि डेड होने तक के 5 generation वहां पर ये पाए जाते हैं, और लास्ट वाला जनरेशन जो है उसी का पार्ट एक हमारा सन भी है स्टार, जो कि इस 5वें जनरेशन में से ये बिलोंग करता है। तो अगेन इट इज मिस्ट्री कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर खोजा गया है कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम एनजीसी 2808 रखा गया है, 2808 रखा गया। ओसिरिस रेक्स, ये नासा के द्वारा बेनु एस्ट्रॉइड को स्टडी के लिए भेजा गया है। अब आपको ये बताना है कि एस्ट्रॉइड होता क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये एक विशेष प्रकार का बेल्ट होता है दो बॉडीज के बीच में, जहाँ पर इसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो बेनु एस्ट्रॉइड के स्टडी के लिए उसको भेजा गया था, तो इसने वहां से कुछ सैंपल भी इकट्ठा किया है। अब क्या है कि बेनु ने जहां पर, जहां से सैंपल इकट्ठा किया है, सॉरी ओसिरिस रेक्स ने, वो बेनु का नॉर्थ पोल है, तो बेनु की जो नॉर्थ पोल है उसको कहा जाता है नाइटिंगल, जहां से सैंपल लिया गया है। इसके अलावे एक और बेनु पर ही एक और जगह है जिसको कहते हैं ओस्प्रे, एक्चुअली इसे बैकअप सैंपल कलेक्शन साइट की तरह रखा गया है, कि अगर यहां से सैंपल इकट्ठा नहीं हो पाया नॉर्थ पोल से, तो हम ओस्प्रे से भी, यानी कि यहाँ एक कोई साइट है जहाँ से, वहाँ से भी हम सैंपल ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या तो ओसिरिस रेक्स के बारे में पूछेंगे, बेनु के बारे में पूछेंगे, एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, या फिर वो ये पूछेंगे कि फिलहाल रिसेंटली बींग इन न्यूज ओस्प्रे, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो आपको ओस्प्रे याद रखना पड़ेगा, नाइटिंगेल याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्या होता है। तो ये जगह का नाम है बेनु एस्ट्रॉइड पर। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, वो तेज हो जाती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक होगा वो बहुत तेजी से उसमें फास्ट करेगा, फ्लो करेगा, उसको रेसिस्ट करने के लिए कोई रहेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर पहली बार ये डिस्कवर किया गया है कि रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया जा सकता है। तो इस सुपर कंडक्टिविटी में दो चीज़ें हैं, एक है जीरो इलेक्ट्रिक रेसिस्ट, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकने के लिए कोई रेसिस्टेंस ना हो, यानी कि कोई रुकावट ना हो, तो उसको कहेंगे हम जीरो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। और दूसरा होता है मैसनर इफेक्ट। मैसनर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इस सुपर कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाता है, लगभग जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लगभग जीरो हो जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं उनका एक्सपल्सन होने लगता है, यानी कि दूर जाने लगते हैं। यानी कि सुपर कंडक्टर में जब आप मैग्नेट को ले जाइएगा तो मैग्नेट क्या होगा, वो सुपर कंडक्टर से दूर जाएगा। इसको हम कहते हैं मैसनर इफेक्ट, इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये भी आपको इस सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर में देखने को मिल सकता है जब हम इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कूल करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसको हम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भी कहते हैं, जिससे नीचे अगर उसको ठंडा किया जाए, टेम्परेचर कम किया जाए, तो हमें मैसनर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है या फिर बहुत कम हो सकती है कि मैग्नेट वहां पर एक्सपल्शन वाली प्रॉपर्टी दिखा सकता है। एम ड्वार्फ स्टार्स, इसको रेड ड्वार्फ भी कहते हैं, ये टिनियस स्टार्स होते हैं, सबसे छोटे स्टार होते हैं जिनकी साइज 8 to 50% होती है हमारे सन मास की। ठीक है, अब ये स्टार्स क्या होते हैं कि सन के या फिर उतने पास में होते हैं कि जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाए,
क्योंकि अगर हमें सनलाइट चाहिए तो हमें प्लेनेट को उतना वार्म भी रखना पड़ेगा जैसे कि अर्थ है, तो एक हैबिटेबल डिस्टेंस है ताकि यहाँ पर सनलाइट भी उतना मिले कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, तो एम ड्वार्फ भी इस तरीके के स्टार होंगे कि अपने ऑर्बिट के इतने ही करीब होते हैं कि वहाँ पर आपको लाइफ पॉसिबिलिटी मिल पाए। अब ये जो टोटल 53 एम ड्वार्फ खोजे गए हैं, डज इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि कितने खोजे गए हैं, ये कभी भी चेंज हो सकता है, एग्जाम से 2 दिन पहले चेंज हो जाएगा, कोई और खोज लेगा तो नंबर चेंज हो जाएगा, ये तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है किसी। लेकिन याद रखिएगा कि किससे ये खोजा गया है, तो TIFR एक नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इमेजर एंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपको हानले में बनाया गया है इंडिया में। हानले एक जगह का नाम है जो लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर इस टेलीस्कोप को लगाया गया है, तो इसी इसको खोजा गया, तो इसका नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी कितने स्टार्स हैं इस तरीके के ग्राफ वो आप इम्पोर्टेंट नहीं है। चेंग्स 5 लूनार मिशन, लूनार मतलब मून मिशन है और नाम ही है चेंग्स, तो इस टाइप का कि चाइना वालों ने या फिर कुछ किया होगा, तो चाइना वालों का एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि रिटर्न हुआ है लूनार मिशन से, 2 kg का फ्रेश रॉक सैंपल्स लेके वहाँ से। ठीक है, अब सैंपल्स की स्टडी करेंगे, क्या करेंगे अब उनका काम है वो करेंगे, लेकिन याद रखना है कि ये लूनार मिशन चेंग्स 5 किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो चाइना के द्वारा। हेलियो फिजिक्स मिशन, नासा के द्वारा 2 तरीके के हेलियो फिजिक्स मिशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं। मेनली इनका काम क्या है, सन एंड द सिस्टम डिराइव्स स्पेस विद नियर अर्थ, यानी कि सन किस तरीके से काम करता है और अर्थ के चारों तरफ जो वेदर है, स्पेस वेदर की बात की जा रही है, वो किस तरीके से काम करता है, इसको जानने के लिए हेलियो फिजिक्स मिशन नासा ने यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, सो मेनली कम्स टू ड्राइव द सोलर विंड एंड सोलर एक्सप्लोजन कुड हेल्प इन प्रेडिक्टिंग दिस इवेंट्स। कुल मिला के बात यही है कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, अर्थ का निर्माण और डिफरेंट प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उनके सारे चीज वहीं पर पहुंचता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर टेलीस्कोप का नाम आपको याद करना होगा, जिसका नाम एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप इपिल्सन मिशन एंड इलेक्ट्रोजेट जिमेन इमेजिंग एक्सप्लोरर। डिफिकल्ट नाम है, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में क्लिक करेगा, अगर आप रिवाइज कीजिएगा तो रटिएगा मत इसको। इंडस सैचुरल जोन, अब देखिए इंडस यानी कि इंडस रिवर के आसपास सैचुरल जोन, आपको पता होगा जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, और उसमें जब आपने जियो मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कुछ फॉल्ट्स वगैरह हैं जो हिमालयन एरियाज में भी पाए जाते हैं, तो ये फॉल्ट्स जो होते हैं ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय से लेके आपको बॉर्डरिंग टू नंगा पर्वत से लेके आपको ये नामचा बरवा तक ये एक फॉल्ट मिलता है। ठीक है, इट्स लाइक कि ये कुछ ऐसे चलता रहेगा इस तरीके से, ये जाके यहाँ तक ये एक फॉल्ट मिलता है, इट इज बाउंड्री लगभग कि इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में, जिसको इंडर स्टैचुर जोन के नाम से हम जानते हैं। तो ये फॉल्ट लाइन आपको चाइना से इंडिया पाकिस्तान होते हुए फ्लो करता है या चाहिए फाउंड एट द टेक्टोनिक फॉल्ट, जैसा मैंने कहा ही कि ये जो कन्वर्जेंस जोन है इंडियन और यूरेशियन प्लेट का, वहीं पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट 30 मीटर टेलीस्कोप, इसका नाम ही है 30 मीटर टेलीस्कोप, यानी कि इस टेलीस्कोप का जो साइज है वो 30 मीटर का है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप फंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA एट मौना किया हवाई, USA। ठीक है, हवाई आइलैंड है, USA का है जहाँ पर इसको रखा गया है। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, बाकी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इसका काम क्या है, अगेन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सीधी सी बात। नेक्स्ट CMS-01, ये एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाया जाएगा बाई PSLV-C50 लॉन्च व्हीकल के द्वारा। ठीक है, सी बैंड कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करेगा बिटवीन इंडिया मेन लैंड, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, एंड इट विल रिप्लेस एंड इनहेंस द सर्विस ऑफ JSAT-12। JSAT-12 भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, तो उसको रिप्लेस करने की कोशिश क्या करेगा, रिप्लेस ही करेगा ये, जिसका नाम है CMS-01। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखना है, लॉन्च व्हीकल भी पूछा जाता है ये अक्सर, तो PSLV-C50 और कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, तो पता लग जाए कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और ये रिप्लेस भी करेगा JSAT-12 को, तो ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर, अब ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्या काम करेगा, क्या करेगा, डिटेक्ट रैंडम क्वांटम इवेंट्स। क्वांटम मतलब जैसे मैंने बताया कि इट इज़ यू नो इंटरप्ले ऑफ एटम्स एंड एनर्जी,
तो ये जो क्वांटम इवेंट्स होंगे रेंडमली इनको जनरेट करेगा, रेंडमली उनको पकड़ेगा, फिर उनको क्या करेगा कि बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 और 1 में उसको कन्वर्ट करेगा। मेनली इन बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने का मकसद जो है उनको स्टडी करने का है, क्योंकि ऐसी जगह पल्सेस आती हैं या जो क्वांटम थिंग्स होती हैं उनको स्टडी नहीं कर सकते जब तक कि उसे किसी रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट ना करें। तो ये जनरेटर क्या करेगा कि उनको कैप्चर करेगा, रेंडमली कैप्चर करेगा और उनको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में फाइबर ऑप्टिक ब्रांच पाथ का भी यूज किया जाएगा जो कि रैंडम नंबर जनरेटर का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं हम फिफ्थ पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।